सो नमस्कार दोस्तों, ये रहा हमारे पास Realme C53 मोबाइल। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो, तो इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ Realme C53 मोबाइल को iPhone 14 कैसे बनाया जाता है। अगर आपने मोबाइल शॉप से इसको कुछ मॉडिफाई करवा लिया है और अंदर से आपको एंड्रॉयड वाली फीलिंग आ रही है, तो अंदर से आप iPhone 14 की तरह इस मोबाइल को कैसे करोगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। बस वीडियो को कम्प्लीट आपको वॉच करना है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा, एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की आपको पहले नंबर पे जरूरत पड़ेगी। तो प्ले स्टोर आपको ओपन कर लेना है और यहां पर आपको लिखना है iOS लॉन्चर, इतना दोस्तों लिख दीजिए। उसके बाद ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी, इस एप्लीकेशन को आप जो है डाउनलोड कर लीजिए। जब डाउनलोड हो जाए उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको ओपन का ऑप्शन मिलेगा, ओपन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस तो होगा आप लोगों के सामने। आप फ्रेंड्स यहां पर आप सभी लोगों को करना क्या है, थोड़ी देर प्रोसेसिंग ले रहा है तो आपको वेट कर लेना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस तो होगा आप लोगों के सामने। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इंग्लिश पर टिक लगा हुआ है, तो इस पर टिक लगे रहने देना है आपको। उसके बाद ये जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है, सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एकदम आईफोन की तरह दोस्तों लुक आपको दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन जो दिख रहा है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर दोस्तों आपको जो है क्लिक करके स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस तो होगा आप लोगों के सामने। अब सेटिंग आप लिखा हुआ है और ऑप्टिमाइजिंग लिखा हुआ है, तो आपको यहां पर जितनी देर प्रोसेसिंग ये ले रहा है तब तक वेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ये जो बॉक्स दिख रहा है, इस पर आपको टिक लगाकर सेट एस डिफॉल्ट का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर देखिए लॉन्चर iOS 16 लिखा हुआ है, इस पर आपको टिक लगा देना है। इस पर टिक जैसे ही लगाओगे तो एकदम दोस्तों देखिए iPhone 14 की तरह दोस्तों मोबाइल लग रहा है, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो। इस प्रकार से आप इस मोबाइल को यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं।